उसने रण को तिलक लगा दिया, खुल जाता है उसके धड़पीर सब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर धमाकेदार एपिसोड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर की फिल्म भोला आने वाली है सिनेमा गृह में 30 मार्च को, और फिल्म को केवल रिलीज में 2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में दोस्तों फिल्म की एडवांस बुकिंग अब तक कहां पहुंची है, एकदम बात करेंगे रियल प्रूफ के साथ में। उससे पहले करें वीडियो को लाइक। जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि कुछ छोटे यूट्यूबर्स फिल्म भोला के बारे में फेक न्यूज फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फिल्म भोला ने डे वन पे एडवांस बुकिंग के मामले में 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ का एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है डे वन पे। दोस्तों ये बिल्कुल चुतियापा है और फेक न्यूज है, क्योंकि ये लोग व्यूज के चक्कर में कुछ भी फेक न्यूज फैलाते हुए रहते हैं। सच तो क्या है वो मैं आपको बता दूं। फिल्म भोला ने डे वन पे एडवांस बुकिंग के मामले में मंगलवार की रात शाम को 8:30 बजे तक 85 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है एडवांस बुकिंग से डे वन पे। और दोस्तों साथ ही बात करें, फिल्म भोला ने अब तक एडवांस बुकिंग से कितने टिकट बेच डाले हैं। सबसे पहले बात करें 2D व 3D की, तो फिल्म भोला ने लगभग 2D में 20,607 टिकट बेच डाले हैं व 3D में 6,501 व दोस्तों IMAX में 1,109 और 4DX में 901। दोस्तों सभी टिकट को एक साथ में मिला दिया जाए तो टोटल फिल्म भोला ने एडवांस बुकिंग से लगभग अब तक 29,118 टिकट बेच डाले हैं। भाई लोग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्म भोला को केवल रिलीज में 2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में फिल्म भोला की एडवांस बुकिंग ने तेज गति से रफ्तार पकड़ ली है, जिसे देखते हुए लगता है आसानी से फिल्म भोला डे वन पे बॉक्स ऑफिस पे 20 करोड़ की कमाई करने वाली है डे वन पे। दोस्तों फिलहाल तो इन दिनों अजय देवगन फिल्म भोला का प्रचार काफी जोरों शोरों से करने में लगे हुए हैं। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, आपने फिल्म भोला का एडवांस में टिकट बुक किया है या नहीं? मैंने तो फाइनली कर लिया है। दोस्तों एक बार फिर से आपको जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।